कोरोना को हराने का वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। अमेरिका के टॉप टेक एक्सपर्ट डॉक्टर फाउची ने दूसरी बार यह भारत को सलाह दी है। डॉक्टर फाउची ने वैक्सीनेशन को ही बताया समाधान, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता बताया। फाउची ने अन्य मुल्कों से भारत को मदद देने की अपील की है। डॉक्टर साल्वे, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या ये टाइम नहीं है हम बहुत तेजी से जो टिपिकल एक हमारी मेंटालिटी है लैकडाइसिकल चीजों को करने की या डिले करने की, कि कई अप्रूवल्स आते हैं, वैक्सीन को लेकर हमें एक पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए और सारी वैक्सीन को तुरंत अलाउ नहीं करना चाहिए इंक्लूडिंग स्पुतनिक? अगर आप देखेंगे पिछला जो अपडेट हुआ है वैक्सीन पॉलिसी में, यही हुआ है कि स्टेट्स को फ्रीडम दिया गया है वैक्सीन खरीदने का, और काफी सारी वैक्सीन जो जिनको एफडीए ने अप्रूवल किया था सबका अप्रूवल इंडिया में मिल गया है। डॉक्टर साल्वे, आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक स्टेट का एग्जांपल देता हूं। स्पुतनिक की लेटेस्ट खबर यह है कि स्पुतनिक लाइट जो है वो एक डोज में ही 80% से ज्यादा इफेक्टिव है, बल्कि भारत की जो दोनों वैक्सीन है उन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है स्पुतनिक लाइट। अब मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूं इसराइल का, जिसने फाइजर की खुद नहीं बनाई, फाइजर की वैक्सीन को एक्वायर किया, जमकर एक्वायर किया और अपनी 70-80% को वैक्सीनेट किया। व्हाई नॉट, वही स्ट्रेटजी पर क्यों नहीं काम किया जाए? मैं बिल्कुल इमोशनली मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं, लेकिन ऐसा है निशांत कि हमारे यहाँ अप्रूवल सिस्टम है जो कि होना भी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू शो द वैक्सीन सेफ्टी इन द इंडियन पॉपुलेशन, ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर वैक्सीन इस मास कैंपेन में करते हैं इफ सम अनटोल्ड, लेकिन डॉक्टर साल्वे आज एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आया सामने, आई एम सॉरी मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, मेरा 4 बजे का शो था उसी में एक एग्जाम्पल आया, एक डॉक्टर साहब ने कहा कि वर्ल्ड ओवर जहां भी ट्रायल हो रहे हैं हर मुल्क में इंडियंस हैं, तो इंडियंस के जो जीन्स हैं उसके ऊपर तो वैक्सीन का ट्रायल हो ही रहा है, देन व्हाई अ स्पेशल ट्रायल और इतनी सारी स्टेजेस भारत में क्यों? नहीं, स्पेशल ट्रायल की जरूरत नहीं। अगर आप देखेंगे एस्ट्राजेनेका का इंडिया में कोई ट्रायल नहीं हुआ था, सिर्फ उन्होंने सेफ्टी बताई थी, वो साउथ अफ्रीकन ट्रायल को हमने एक्सेप्ट करके, वो डाटा एक्सेप्ट करके एस्ट्राजेनेका को अप्रूवल दिया था। सेम विद अदर वैक्सीन, अगर आप देखेंगे स्पुटनिक और बाकी सारी चीज़ों को इन एडवांस हमने इमरजेंसी अप्रूवल दिया है, तो ऐसी बात नहीं हम अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीन सप्लायर हमें अप्लाई करता है प्रोसेस है, जो वैक्सीन सप्लायर अप्लाई करता है उसको हम विचार करते हैं, हमारी जो एडवाइजरी कमेटी है, वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी है, उसको विचार करती है, उसको अप्रूवल डीसीसीआई देता है। तो ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैक्सीन लगाना, इमोशनली आपके साथ मैं अग्री करता हूँ, लेकिन वैक्सीन डेवलप करना इट्स नॉट अ वन डे जॉब, का जॉब नहीं है, इट टेक्स सम टाइम, तो हमें प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। एक इसे मैं जोड़ना चाहूंगा कि जिसको कोविड हुआ है उसको नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जो 6 महीने 1 साल जितना भी रहे, उनको हमें प्रायोरिटाइजेशन से कम करना चाहिए, अगर हम बिकॉज वैक्सीन हमारा बहुत ही प्रेशियस एक बात करें इंटरवेंशन है। अरे अच्छा अच्छा आइडिया सर, नहीं दिखाया कि कितना। डॉक्टर साल्वे आई एम सॉरी मैं आपको रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी, मैं इसी नोट पर क्लोज करूंगा। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।